हेलो स्टूडेंट्स वेलकम इन एच पी जी के हाउ कंप्यूटर सीरीज़ प्रीवियस वीडियोस में हमने एम एस पावर पॉइंट के बारे में जाना था आज हम एम एस पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स अगर आपका कोई भी क्वेरीज हो या डॉट्स हो या पीडीएफ डी नोट चाहते हो और क्लास कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं एट टू सेवन एट सेवन टू थ्री सेवन फाइव प्रैक्टिस ड्वेल्व कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस ड्वेल्व्स ग्लोरी सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग नेक्स्ट फर्स्ट शॉर्टकट की ऑफ टुडे इज कंट्रोल प्लस ए आप एक पेज के ऊपर जितना भी आइटम्स है उनको सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कोई डाटा है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं देन कंट्रोल प्लस ए एक पेज के ऊपर एक से ज़्यादा एक्टिव बॉक्स हो सकते हैं तो जो भी सॉरी uh, एक से ज़्यादा टैक्स बॉक्स हो सकते हैं तो आप जो भी एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर होल पेज के ऊपर जितना भी डाटा है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस बी टू वोल्ड द सिलेक्टेड डाटा कंट्रोल प्लस एफ टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलग बॉक्स विथ फाइंड टैब इट कंटेन्स टू डेफ फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपको फाइंड टैब ओपन करना है फॉर दैट कंट्रोल प्लस एफ अगर आपको रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन करना है फॉर दैट कंट्रोल प्लस एच नेक्स्ट कंट्रोल प्लस आई टू इटैलिक टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एम अपनी स्लाइड इंसर्ट शर्ट करना चाहते हो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल प्लस एम

फॉन्ट में कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हो चेंज करना चाहते हो फॉर दैट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस टी कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन दी सेलेक्टेड टेक्स्ट नेक्स्ट इज द कंट्रोल प्लस बी पेस्ट द कटेड और कॉपी टेक्स्ट जो भी आपने टेक्स्ट कट किया है या फिर आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू closes the presentation it's also very important to close the presentation control plus w control plus y repeats or undo the last command control plus home आपको कर्सर जो है वो प्रेजेंटेशन की बिगनिंग में चाहिए फॉर दैट कंट्रोल प्लस होम इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इज अ कंट्रोल प्लस एंड मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन आर इट्स कंट्रोल प्लस एंड मूव करसर टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन नॉट करंट लाइन मिट्स मूव करसर टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर दैट कंट्रोल प्लस एंड नेक्स्ट इज सिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड अगर आपको एक से ज्यादा स्लाइड सेलेक्ट करनी है फॉर दैट सिफ्ट प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड नेक्स्ट इजा सिर्फ प्लस कंट्रोल प्लस होम जहाँ भी आपका कर्सर प्रेजेंट है वहाँ से लेकर एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स के स्टार्ट तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है टेक्स्ट सेलेक्ट करना है फॉर दैट सिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम फॉर एग्जांपल आपका कर्सर जो है वो स्टार्टिंग में प्रेजेंट है यहाँ प्रेजेंट है तो आपको यहाँ से लेकर ये कंप्लीट एक टेक्स्ट बॉक्स है तो आपको जहाँ पर कर्सर है वहाँ से लेकर एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स के स्टार्ट तक आपको डाटा सेलेक्ट करना है फॉर दैट यू विल प्रेस सिप प्लस कंट्रोल प्लस होम इसके अपोजिट अगर आपको कर्सर से लेकर एंड ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स तक डाटा को सिलेक्ट करना है फॉर दैट सिप प्लस कंट्रोल प्लस एंड नेक्स्ट इज एफ वन एफ वन टू ओपन देल्प डायलग बॉक्स आपको हेल्प डायलग बॉक्स चाहिए फॉर दैट एफ वन फंक्शन की नेक्स्ट इज द एफ फाइव टू ब्यू द स्लाइड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की टू ब्यू द स्लाइड सो एफ फाइव फंक्शन की नेक्स्ट एस्केप की एंड द स्लाइड्सो आपको स्लाइड्सो को एंड करना है देन एस्केप की इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट so these all about shortcut keys of ms powerpoint i hope you like the video if you like then don't forget like share and subscribe for further notifications to gear up your preparation with hvgk hub thank you